वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे तो आज के ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है मेरे दोपहर के खाने से आज मैं बना रही हूँ आलू वाले चावल कुछ लोग उसको अपनी ज़बान में कुछ और बोलते हैं हर किसी की लैंग्वेज अलग अलग होती है वो अलग तरीके से प्रनाउंस करते हैं हम लोग तो इसको आलू वाले चावल ही बोलते हैं ये चावल बहुत इजीली और बहुत जल्दी बन जाते हैं थोड़ा सा मैं प्याज को फ़्राई करती हूँ बिल्कुल हल्का सा और उसके बाद आलू भी मैं इसी में डाल देती हूँ और इसके अलावा गर्म जो गर्म मसाला होता है ना खड़ा गर्म मसाला वो डाल देती हूँ इसका टेस्ट बहुत अच्छा उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है गर्म मसाले की और आलू मुझे फ्राई ही बहुत अच्छे लगते हैं हैं। फिर हल्का सा आलू को फ्राई करके टमाटर अदरक लहसन का पेस्ट डाल के इसको हल्का समय भूनूंगी और टमाटर को गलने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। कभी ये रेसिपी बना के देखेगा बहुत ही इजी बनती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है चावलों का अच्छा मैं हल्का हल्का सा टमाटर को भून भी लूँगी और साथ ही मैं जो इसके अंदर और मसाले डलते हैं जैसे हल्दी और मिर्चें और इसके अलावा और पिसा हुआ धनिया ये मैं डाल दूंगी इसका टेस्ट बहुत ही बहुत ही अच्छा आता है कभी बना के देखेगा अभी मैं बार बार इसलिए बोली क्योंकि मुझे ये वाले चावल बड़े अच्छे लगते हैं चावल तो वैसे भी मैं बहुत शौक से खाती हूँ अच्छा अब ये मैं टमाटर को थोड़ा भून रही हूँ और साथ ही साथ उसको तोड़ती जा रही हूँ इस आज मेरी सास मेरे घर आई हुई थी और उन्होंने देखा कि टमाटर चावल में इस तरह नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैं छिलका उतार के नहीं डालती उन्होंने मुझे समझाया बेटा छिलका उतार के डाला करो ये मैदे में जाके ये मसला कर देते हैं ये हो जाता है वो हो जाता है तो अच्छा सही से गलते भी नहीं है मैंने कहा अच्छा ठीक है अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं खाना बनाऊंगी तो मैं टमाटर को छील लूँगी अच्छा ये थोड़ा सा भुन जाए उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाला पानी इतना ही डालना है कि चावल उसके अंदर बस डूब जाएँ और हल्का सा चम्मच ऊपर हो क्योंकि इस तरह के चावल में फिर वो गीले हो जाते हैं बिल्कुल थोड़ा ही पानी डालना है इतना पानी हो जितना चावल उसके अंदर देखें डूबे और चम्मच हल्का सा नज़र आए इसके बाद जब वो उबल जाए थोड़ा सा तो चूल्हे जु, की आंच हल्की करके और इसको दम पे मैंने रख दिया अब वो दम पे ही चावल भी गल जाएंगे और साथ में यहाँ पे घूम रही थी शाम के लिए आटा क्योंकि मेरे हस्बैंड चावल शौक से नहीं खाते तो उनके लिए मैंने सालन रखा हुआ है बनाकर वो सालन एक दिन पहले का है चिकन का सालन तो वही वो, वो खाएंगे और मेरी सास भी वही खाएंगी मैं डेली डेली बिल्कुल खाने की मैं कोशिश करती हूँ कि डेली ना बनाऊँ यही कोशिश होती है कि एक दिन का खाना दो दिन चला लूँ क्योंकि फैमिली छोटी है तो मेरा एक दिन के जो सालन होता है वो दो दिन चल ही जाता है अच्छा आटा हम लोग यूज़ करते हैं गंदम का जो प्योर गंदम होती है ना वो उनके सामने मेरे हस्बैंड अपने सामने पिसवाते हैं और फिर गरम गरम आटा लेकर आते हैं घर पे तो गंदम का आटा ये मेरी सास ने ही बताया था कि ये ठंडे पानी से गूंदा करो क्योंकि वो गांव की हैं तो वो इस तरह की उनको बहुत सी ट्रिक्स आती हैं तो वो बताती रहती हैं वो मुझे ज़्यादातर समझाती हैं उन्होंने ये बोला कि आप इसको ना ठंडे पानी से गूँगी तो ये आटा बहुत अच्छी सी इसकी रोटी बनेगी और फूलेगी रोटी तो मैं इसको आटे को पहले गून के अच्छे से और इसके बाद मैं इसको थोड़ा बहुत मिक्स करूँगी अच्छा हाँ मुखिया मुझसे ज़्यादा नहीं लगाई जाती हूँ ये साथ समझाती हूँ मुझे मैंने कहा नहीं मेरे अंदर इतना दम नहीं है बस जितना है उतना मैं कर रही हूँ इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर रख दूंगी तकरीबन एक घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी और उसके बाद दोबारा निकाल के फिर इसी तरह से मुखिया लगाऊंगी तो ये जो है आटा बिल्कुल फ़िक्स हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे से रोटी की बनेगी चावल जो मैंने दम पे रखे हुए थे उसको बस थोड़ा बहुत मैं ऊपर नीचे करूँगी हल्का सा मैं देख रही थी इसके नीचे अभी भी पानी है तो मैं इसको दोबारा दम पे रख दूंगी और इसके बाद ये हो जाएंगे रेडी अब मैं आटे को फ्रिज में रख रही हूँ एक घंटे के लिए उसके बाद मैं इसकी रोटी बनाऊँगी यहाँ मैं बच्चों के लिए निकाल रही थी खाना मेरे दोनों ही बच्चे इतने छोटे हैं लेकिन वो लोग अचार शौक से खाते हैं जितना मैं नहीं शौक से खाती इतने मेरे बच्चे अचार शौक से खाते हैं क्योंकि मेरे ससुराल में अचार बहुत खाया जाता है तो मैं घर का चार मुझे बनाना आता नहीं तो मैं नेशनल का चार लेकर आती हूँ यहाँ मेरी सास मेरे बच्चों के साथ खेल रही थी बातें कर रही थी वो मैं आपको दिखाती हूं। के आ को की आपकी बारी तो आप भी बहुत टाइम मैं आपकी बारी आपकी बर्थडे के लिए तो ये लाई थी ना ये देखो वाओ कितना प्यारा है ये देखो हैप्पी बर्थडे कब आएगा बारह रबी को आएगा हम आएंगे फिर आपकी आपकी बर्थडे करेंगे बारह रबी को फिर वाओ अब शाम हो गई मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही थी ये मेरे आज की रूटीन का छोटा सा ब्लॉग था अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा अल्लाह हाफिज़